तुम दूर हुए मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। बेजारे जा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। ये आपकी पुंज नहीं लगती, गुनाहगार मत करेंगे। ये बच्चा हमारे दरमियान क्यों आ गया? ठीक कहा आपने, काश आपका ये बच्चा मेरी अम्मी की जिंदगी में ना आया होता। अभी मेरे बच्चे पता चला है मुझे, नहीं हूँ मैं आपका बच्चा। बेटा चाहिए था ना आपको, मिल गया आपको बेटा। अब मुझे मेरी माँ ला के दे, जिंदा और सलामत। मार दिया बाबा आपने, मार दिया मेरी माँ को, मार दिया आपने। बदले मेरा नाम, बदले मेरा नाम। अम्मी मार दिया आपको। मुझे माफ कर दो शिगुप्ता, मुझे माफ करते मुझे। अब्रार। हाँ अब्रार। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरे बता क्यों नहीं रहे, हुआ क्या है? शगुफ्ता को अल्लाह ने बुला लिया। ओह, मुझे डॉक्टर सबिया ने बताया था कि उनका केस इस बार बहुत मुश्किल है। वैसे भी ओवर एज हो गई थी, प्रेगनेंसी का इतना लंबा गैप और ब्लड प्रेशर वगैरह। बाहर आलम में फौरन जाना पड़ेगा। अब्रार उसकी बेटियों को हमारी बहुत जरूरत होगी इस वक्त। और वैसे भी इस सारे केस में हमारा भी तो कुछ ना कुछ हाथ है ना। चलो तैयार हो जाओ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। मैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ओके। बदकिस्मत माँ थी बेचारी, ना बेटियों की खुशियां देख सकी, ना बेटे का शोक। अफसोस के सिवा आप क्या कर सकते? बस अल्लाह की अमानत थी, उसने अपने पास वापस बुला लिया। मेरा और उसका तो सालों का साथ था। सच कहूं इन दिनों वो बहुत मायूसी की बातें करने लगी थी। एक तरफ बेटी की शादी की जल्दी और दूसरी तरफ उसकी ये हालत। अरे तो ऐसी हालत में क्या खुशी की बातें करती? ये मर्द तो बड़े बेहिस होते हैं, औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं, और ये भी नहीं सोचते हैं कि मशीन भी कभी खराब हो सकती है। अरे जेबा, बच्चे की कोई खैर खबर है? कब तक हॉस्पिटल में रहेगा? आपा अभी बच्चा बहुत कमजोर है, कुछ दिन वो इंक्यूबेटर में रहेगा। चलो शुक्र है उस बच्चे के पास बहनों का आसरा तो है। अब तुम दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा, वो नन्ही जान तुम्हारे जिम्मे है। हाँ ये बात तो है। चलो दुनिया में आकर बाप और बहनों का अरमान तो पूरा किया, लेकिन माँ की जान का सदका ले लिया। हमारा कोई अरमान नहीं था। जब तक भाई नहीं था तो इस जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, मगर अब तो हमारा सब कुछ छिन गया। सब कुछ। अम्मी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। अभी
शफा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर, मेरी खुशियां, सब खत्म हो गया। शगुफ्ता मुझसे इतनी नाराज थी, मुझे क्यों नहीं पता चला, मुझे क्यों नहीं पता चला। सब्र करो ब्रार, सब्र करो। ना इसने कोई दिल की बात कही, ना कोई शिकवा किया, चली गई। शगुफ्ता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया शगुफ्ता ने, मेरे साथ अच्छा नहीं। सब्र करो मेरे भाई, इस तरह यहाँ बैठ के रोते रहने से तो काम नहीं चलेगा अबरार। तुम्हारी बच्चियां घर पे अकेली हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यहाँ बैठ के रोते रहोगे तो ठीक नहीं होगा मेरे भाई। चलो उठो, बस चलो। क्या करूँ अबरार, कैसे घर जाऊं? मेरी बेटियां तो मुझसे बात करना तो दरकिनार, मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। शगुफ्ता खुद तो चली गई है मेरी जिंदगी से, मेरी बेटियों को भी दूर कर गई है मुझसे, बेटियों को भी दूर कर गई है। सबर तो करना ही पड़ेगा मोमना, ये शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। हम अपनी मर्जी से ना जीने का हक रखते हैं और ना ही मरने का। मेरी सिर्फ माँ नहीं मरी अरहम, मेरे अंदर का हर रिश्ता और हर एहसास भी मर गया है। अम्तुल आंटी ने जानकर उन्हें अपने घर बुलाया और सबके सामने बेइज्जत किया। वो जानती थी कि अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और इस हालत में ये सदमा जान भी ले सकता है। ये कोई इत्तफाक नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। तुम पागल हो गई हो क्या, क्या बातें कर रही हो मुझसे? मोमिना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैंने ऐसा क्या किया था, क्या बिगाड़ा था उनका, क्या बिगाड़ा था जिसका बदला उन्होंने मुझसे मेरी माँ छीन कर लिया है। कोई इतना बेरहम, इतना जालिम, इतना बेहिस कैसे हो सकता है? स्टॉप इट मोमिना। मामा ने जो कुछ किया वो सब कुछ नेचुरल था, उनकी जगह कोई भी होता वो यही करता। हमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई थी यार, आंटी की भी गलती थी। तुम मेरी मामा के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ये कोई वक्त है? मैंने तो सिर्फ बात की है और आपको इतना बुरा लग रहा है। आपकी मामा की बातों की वजह से मेरी माँ की जान चली गई और आप अफसोस भी नहीं करना चाहते। अफसोस करने ही तो आया हूं तुम्हारे पास। मोमिना, तुम्हारा दुख तुम्हारा सुख मुझसे अलग नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जो दुख देता है वो सुख बांटने की बात कैसे कर सकता है? प्लीज अरहम, मुझे अब इस मोहब्बत के नाम से ही नफरत होने लगी है। प्लीज अरहम भाई, हमारा पीछा छोड़ दें, माफ कर दें हमको, चले जाएं यहां से। हमारा दुख आपकी समझ में नहीं आएगा और मैं सच कहूंगी ना तो आपको लगेगा कि मैं अपनी हद पार कर रही हूं, इसलिए चले जाएं यहां से और हमें सिर्फ सब्र करने दें। तुम लोगों का गम मुझसे अलग नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? नहीं समझनी हमें ये बात, कुछ नहीं समझना हमको, आप प्लीज जाएं यहां से। तुम्हारी मेंटालिटी इतनी कंजर्वेटिव हो सकती है कि मैं सोच भी नहीं सकता।
तुम किस दुनिया में रहती हो? अगर मेडिकली बंदा फिट है तो कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है, और इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? वेस्ट में तो 40s-50s में शादी आम सी बात है। ओहो जवान, वेस्ट की सोच और लाइफस्टाइल यहाँ अप्लाई नहीं होती। वो अगर मेडिकली फिट होती तो मरती क्यों? रिच, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं। ये जो तुम बातें कर रही हो, ये तुम अपनी अम्मी की बातें कर रही हो। एटलीस्ट तुम्हें कंडोलेंस के लिए जाना चाहिए, और ये जो पुराने गिले शिकवे हैं, इस मौके पे तो सब बातें भूल जानी चाहिए। मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, और ये कंडोलेंस वगैरह मुझे नहीं आता। एक इंसान मर गया तो मर गया, अब रोते रहो बैठ के, कितनी स्टूपिड बात है। इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन क्रूर नहीं। अगर तुम्हें ताजियत के मैनर्स नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस तरह किसी के दुख का मजाक मत उड़ाओ। जवार बेटा, वो बेटा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन बेटा, कुछ तो कैसे होते हैं जिनके लिए हमदर्दी और तसल्ली के अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। मैं वहां खुद जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोमना की फैमिली को फेस कैसे कर पाऊंगी। ना बड़ा सानिया हो गया, माँ चली गई, बच्चा हॉस्पिटल में है। लेकिन फिर भी आपको वहां जाना चाहिए। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ वहां, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ चलो। मामा प्लीज, मैं इस तरह की गैदरिंग्स में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। आप प्लीज जवार के साथ चली जाएं। आंटी, बुरा मत मानिएगा, फॉल्ट आपकी परवरिश में। जितना आप सोशल वैल्यूज को मानती हैं, उसका 1% भी आपने इसको सिखा दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये किस अंदाज में तुम उसके साथ बात कर रही थी? उसे समझने की कोशिश करो, वरना तो तुम्हारी ये बेतुकी बातों से वो दूर हो जाएगा तुमसे। फिर होती रहना बैठ के। हाँ तो अब कौन सा खुश हूँ, उसकी शादी समझ नहीं आती, मिजाज समझने की क्या हाँ कोशिश करूं? तुम्हें पता है, ये कड़े ना तुम्हारे बाबा ने मुझे तुम्हारी पैदाइश में बनवा कर दिए थे। तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। तुम्हारे बाबा की इतनी अच्छी जॉब तो नहीं थी, पता नहीं कैसे बना लिए थे। आज तक पूछती हूँ मैं उनसे ये बात। बाबा बहुत रोमांटिक थे ना। उड़ा लो मजाक माँ बाप का। हाँ अच्छा देखो, तुम ऐसा करना कि इन कड़ों में ना अपने निकाह के जोड़े से मैचिंग नगीने चढ़वा लो। और हाँ, मैंने अबीर के लिए एक ब्रेसलेट बनने को दिया है। और बेटा ये जो है ना, ये दो सोने के सेट है, एक ये है और एक इतने भारी तो नहीं है बेटा, लेकिन मेरे बाद अपनी माँ की निशानी समझ के रख लेना। क्या मतलब माँ की निशानी?
कितना अजीब सा जुमला है ये। मुझे नहीं चाहिए कोई माँ की निशानी, चाहिए तो सिर्फ अपनी माँ, हमेशा। चाहे कोई खुशी हो या परेशानी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अम्मी, मुझे सिर्फ आप चाहिए, हमेशा। जिंदगी के हर मोड़ पर, समझ रही है ना आप? जब हम पैदा होते हैं ना बेटा, तो अपनी जिंदगी के सारे साल लिखवा के लेकर आते हैं। जिंदगी का पहला साल तो हमें मालूम होता है, लेकिन जिंदगी का आखिरी साल हमें नहीं पता होता, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर जब सारे फैसले अल्लाह ही करता है, तो हम एक दूसरे से नाराज क्यों हो जाते हैं? ये क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? पापा ने कुछ कहा है क्या? वो तो अब कुछ भी नहीं कहते, मैं ही सोचती रहती हूँ, अल्लाह करे कि मेरे घर की खुशियां वापस आ जाए और तुम दोनों की शरारतें भी। अब दिल पे कोई और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी वजह से परेशान है ना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगी, बस आप खुश रहे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, और आपको हमारे सर पे सलामत। अच्छा ये कड़े पहना है ना? ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे लिए थे। आप चाहिए अम्मी, सिर्फ आप, प्लीज वापस आ जा। मैं क्या करूंगी आपको? जल्दबाज थी,
उसकी जल्दबाजी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत ज्यादती की है शगुफ्ता ने मेरे साथ। ज्यादती? और जो आपने किया वो उसको क्या कहते हैं बाबा? हाँ कितनी तकलीफ में थी वो, कितना स्ट्रेस ले लिया था मेरी अम्मी ने आपकी खुशी के लिए। आप तो सिर्फ अपनी खुशी में मगन थे ना बाबा, आपने तो एक बार पलट के नहीं देखा कि वो किस मुश्किल में, किस तकलीफ में, किस असियत में है। नहीं देखा? मैं मानता हूं बेटा, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके जीते जी मैं शायद बेटे का बाप बनने के घमंड में था, लेकिन उसके जाते पल पल पछता रहा हूं, पल पल मैं उसे जाते हुए कोई खुशी भी नहीं दे सका। तेरी शादी का अरमान लिए वो इस दुनिया से चली गई, उसने कुछ माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया बेटा। पता नहीं ये बोझ कैसे हल्का करूंगा। माफी गलती की होती है पापा, ज्यादती की नहीं। आपने अम्मी पर जुल्म किया है ये जानते हुए कि उनके अंदर ना इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी ताकत। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, सिर्फ अपने बारे में। चली गई वो, आपकी खुशी ने उनकी जान ले ली बाबा। आप कातिल हैं मेरी मां के, ने जुल्म किया उन पे। तमाशा देखने या फिर कोई नया मजाक उड़ाने या ये देखने कि मां के मरने के बाद ऐसा कौन सा खेल खेलूं कि ये दोनों भी मर जाएं? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा बाप और बहन कायम बुलाओ उन्हें। क्यों? उनको भी मारना चाहती हैं क्या? क्योंकि आपके लिए किसी की खुशियों पर पांव रखना या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को रोन देना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने आपको इंसान बना के कैसे दुनिया में भेजा, क्योंकि आपके अंदर तो इंसानियत वाली कोई बात ही नहीं है। अभी आंटी ये ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए, शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम लोगों की औकात सिर्फ इतनी है कि तुम लोगों को जूती की नोक पे रखना चाहिए। ना कोई हमदर्दी, ना ताजियत, ना कोई रिश्ता। तुम लोग कुछ भी डिजर्व नहीं करते। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपकी झूठी ताजियत, क्योंकि ये मेरी मां को वापस नहीं ला सकती। चली जाए आप यहां से। अबीर होश करो और अंदर जाओ, अंदर जाओ। अबीर, अबीर, अकल की बात करो। ये मुन्ना की होने वाली सास है तुम्हारी मां जैसी, और घर में आए हुए मेहमानों से किस तरह का सुलूक किया जाता है,
तुम लोग को तो अपनी जबान पे बिल्कुल भी काबू नहीं है। मत कहे माँ जैसी, नहीं है ये मेरी माँ जैसी। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है इन्होंने हमसे। कैसे रखूं जबान पर काबू मैं, कैसे? आंटी आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, गलती हो गई मुझसे। जवार मैंने तुमसे कहा था ना कि इन लोगों से रिश्ता जोड़कर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ठीक है, फिर जैसे चाहे अपनी गलती को सुधार लें, मगर अल्लाह का वास्ता इस वक्त यहां से चली जाए प्लीज। हबीर छोटी है और इमोशनल भी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आप लोग बड़े लोग हैं और बड़े लोग कभी गलत नहीं हुआ करते। जा रही हूं मैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना तुम मेरी। अपने बाप का जुर्म मेरे सर डालने की कोशिश भी की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जवाब। हमारे घर कौन आया है? तुम्हारा भाई अबीर। आओ ना बेटा, तुम भी देखो इसे। ये बहुत वीक है, डॉक्टर्स ने कहा इसका बहुत ख्याल रखना है। लो बेटा संभालो अपनी मां की आखिरी निशानी को। जब मां ही नहीं रही तो मां की निशानी का क्या करूं बाबा। क्यों लेकर आए आप इसको यहां पर? इसे वहीं मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? काश अम्मी की जगह ये मर गया होता। मेरा बस चले तो इसको जान से मार दूं। तबीर, किसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो अपने भाई पे जान नहीं है। ये हमारा भाई, और ये मुबारक हो आपको, आपके बुढ़ापे का सहारा, जिसने हमारी मां की जान ले ली।
इतना रो क्यों रहा है? इस तरह तो ये बीमार हो जाएगा। रोने दो इसे, इसकी नसीब में रोना ही लिखा है। सो जाओ। शायद इसको भूख लग रही है, मैं जाके देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसे भूख लगे या कुछ भी हो तुम्हारा मसला नहीं है। बाबा को देखने दो, बहुत शौक था ना, अब उनका शौक पूरा होने जा रहा है। जरा पता तो लगे कि बाप बनना कितना आसान और माँ बनना कितना मुश्किल है। मुसीबत है, कब मेरी छुट्टियां खत्म होंगी और मेरी जान छूटेगी इस अजाब से। बेटा बस 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 बस, देखो ये देखो, बाबा आ गए, नहीं रोना नहीं, आओ आओ दुखिए, गुड बॉय, आप तो अच्छे बच्चे, आप तो नहीं रोते है ना, आओ शाबाश, ये चलो ये लो, देखो पी लो। आप तो मेरे हाथ पांव ऐसे लेकर बैठ गए जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। अरे जवान बच्चियों का घर है, ये सब कुछ जेब नहीं देता मुझे, छोड़े। तुम्हारी बेटियों को तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथों की और पांव की सूजन देखता हूँ ना, मुझे दर्द होता है। समझ सकता हूँ कि तुम कितनी तकलीफ में हो। चाहे कोई कुछ भी कहे भाई, मुझे इस खिदमत से मत रोका करो तुम। बेटे की माँ होने के बाद ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा तो ये दुआ मैं बहुत साल पहले मांग लेती। अरे तो क्या ये तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का इनाम है? मैं तो समझ रहा था कि मेरी कोई महफूज फाइल ऊपर आ गई। अब फाइल किसी की भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह का कितना एहसान है ना कि उसने हमें उम्र के इस हिस्से में औलाद से नवाजा है। इसमें जरूर उसकी कोई ना कोई हिकमत होगी। तो मैं सोचती हूँ कि मोमिना शादी होकर चली जाएगी तो इस सोच से मेरा दिल घबरा जाता है, और फिर अबीर भी ये घर सुना करके चली जाएगी, फिर आप होंगे मैं और इस घर का वीराना। देखो अल्लाह दिल के सबसे करीब होता है,
जो तुमने मांगा भी नहीं उसने वो सुन लिया। बस दुआ करो कि सब खैर खैरियत से हो जाए, फिर इस घर का सोनापन नन्नी मुन्नी हंसी में बदल जाएगा। हफ्तों से एक दिन का मुझे भी शिद्दत से इंतजार है। वो क्या गई इस घर से कि जैसे मेरे घर में जिंदगी ने भी आना जाना छोड़ दिया हो।